दोस्तों, दक्षिण भारत जो मुख्य रूप से अपनी भाषा, संस्कृति, प्राचीन स्मारक, मंदिर, खूबसूरत झरने, शानदार ऊंचे पर्वत और अपनी साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर पूरी दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन 17वीं शताब्दी तक विदेशी आक्रमणकारियों ने दक्षिण भारत की प्राचीन संस्कृति को सालों साल कुचलकर यहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन विदेशी सल्तनतों को उखाड़कर पहली बार दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया और महाराष्ट्र के पुणे जिले से शुरू किया गया इस हिंदवी स्वराज्य के तूफान को श्रीलंका की सीमा तक जाकर पहुंचा दिया। पर दोस्तों, इसके पीछे का पूर्व इतिहास जानने से पहले हमें उस समय की दक्षिण भारत की स्थिति को समझना होगा। 17वीं सदी आते आते पूरा हिंदुस्तान इस्लामी आक्रमणताओं का अधीन हो चुका था। उत्तर मध्य में मुगल और दक्षिण में आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही जैसी अनेक विदेशी सल्तनतों ने अपना आतंक मचा के रखा था। मंदिरों को तोड़कर उनका रूपांतर तेजी से मस्जिदों का हो रहा था। स्त्रियों पर अत्याचार, राजकुमारियों का अपहरण और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करना अपने चरम सीमा पर था। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के बचे कुचे हिंदू राजाओं ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनके आगे अपने घुटने टेक दिए थे। अब लोग अपनी सारी उम्मीदें हार चुके थे और इतने बड़े साम्राज्य से टक्कर लेना तो बिल्कुल नामुमकिन था। और इस तरह धीरे धीरे करके पूरा हिंदुस्तान जिहाद की खाई में डूब रहा था। कौन रोकेगा इस आतंक के तूफान को? तभी दक्षिण में एक उम्मीद की किरण जगी और 19 फरवरी 1630 को हिंदुस्तान में एक हिंदवी स्वराज्य के तूफान ने जन्म लिया और उस तूफान का नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, जिन्होंने उत्तर भारत के मुगल और दक्षिण के मुस्लिम सल्तनतों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, जो आगे चल के भारत के एक महान और सबसे लोकप्रिय शासक हुए। सन 1645 में मात्र 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक, सूर्याजी कांकड़े, कान्होजी जेधे, बाजी पासलकर जैसे अनेक वीर मावलों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में अपनी उंगली को काटकर शिवलिंग पर रक्त अभिषेक किया और हिंदवी स्वराज्य के शपथ ली, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने एक एक करके इन विदेशी सल्तनतों को खदेड़ना शुरू कर दिया और स्वराज में तोरणा, राजकद, पन्हाला, कोंढाणा जैसे एक के बाद एक नए किलों को जोड़ते गए। शिवाजी महाराज की इन लगातार जीतों से मुगल, आदिलशाही, कुतुबशाही में हड़कंप मच गया और वो अब जान चुके थे कि हिंदुस्तान में अगर उनको कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ मराठे हैं। फिर 6 जून 1674 को वो सुवर्ण क्षण आया जब अनेक राजाओं, सरदारों के समक्ष, अनेक पुरोहितों द्वारा वैदिक पद्धति से और सप्त नदियों के अभिषेक से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। अब शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए और मराठा साम्राज्य हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत से अलग स्वतंत्र हिंदुओं का एक साम्राज्य बन गया। इससे औरंगजेब बौखला उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब बारी थी दक्षिण भारत में मराठों के जीत का परचम लहराने की। इसलिए 6 अक्टूबर 1676 को विजयादशमी के मुहूर्त पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा दक्षिण भारत की तरफ निकाला, जिसमें 25,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल मराठा सैनिक शामिल थे। मराठे हर हर महादेव की घोषणा देकर दुश्मन की सेना को काटते हुए भाग्यनगर में पहुंचे। भाग्यनगर यानी आज का हैदराबाद शहर। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम, साहस की गाथाएं पूरी दुनिया भर में हवा की तरह फैली हुई थी। इसलिए भाग्यनगर की जनता और वहां का शासक अबुल हसन कुतुब शाह शिवाजी महाराज को देखने के लिए बहुत बेताब था। इसलिए भाग्यनगर में पहुंचते ही छत्रपति शिवाजी महाराज का वहां पर भव्य दिव्य तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद शिवाजी महाराज लगभग एक महीना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रदेश में रहे। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है श्रीशैलम, जहां पर भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से जाना जाता है। परंतु सन 1565 में तालिकोटा के युद्ध के दौरान दक्षिण मुस्लिम सुल्तानों ने इस मंदिर को तहस नहस कर दिया था।
बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर के पास में पहुंचे तो उन्होंने बहुत ही बड़ी दुर्दशा इस मंदिर की देखी और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया। कृष्णा नदी पर भक्तों के लिए कई सारे स्नान घाट, गोपुरम और धर्मशालाओं का निर्माण किया। इस मंदिर की सुरक्षा हो सके इसलिए यहाँ पर अपने सैनिकों को तैनात किया और इसी कारण इस मल्लिकार्जुन मंदिर के उत्तरमुखी द्वार को छत्रपति शिवाजी महाराज नाम दिया हुआ है। और इस प्रकार मराठा शासनकाल में इस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया। जिस श्रीशैलम की धरती पर शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श हुए, वहां के स्थानिक लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत में सबसे बड़े मंदिर का निर्माण श्रीशैलम में किया है। अगर आप भी कभी श्रीशैलम जाते हैं तो अवश्य दर्शन के लिए जाइएगा। अब मराठा सेना श्रीशैलम से आगे बढ़कर कृष्णा नदी को पार करते हुए तिरुपति गई और तिरुपति के रास्ते गुजर ही रही थी, तभी शिवाजी महाराज को एक बहुत ही सुंदर गांव दिखाई दिया जिसका नाम था तिरुवन्नमलई। तभी शिवाजी महाराज के सामंत जनार्दन पंत बोले कि महाराज, यहाँ के स्थानिक लोगों से पता चला है कि एक समय में यह गांव हिंदुओं का तीर्थ क्षेत्र हुआ करता था और यहाँ पर श्री शिव और समोत्ती पेरुमल नाम के दो भव्य दिव्य मंदिर हुआ करते थे। फिर शिवाजी महाराज ने सवाल पूछा, फिर आगे मंदिरों का हुआ क्या? तब जनार्दन पंत बोले कि महाराज, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ के मुस्लिम शासकों ने इन सभी मंदिर को तोड़कर उनके ऊपर अब अनेक मस्जिदों का निर्माण किया है। ये बात सुनते ही शिवाजी महाराज तुरंत इस गांव में दाखिल हुए और महाराज ने देखा कि शिवलिंग, महादेव का नंदी और मंदिर के कई सारे पुराने अवशेष मस्जिदों के आजू बाजू में जमीन पर बिखरे पड़े थे। ये सभी दृश्य देखकर शिवाजी महाराज अत्यंत संतप्त हुए और कहा कि मजहब के नाम पर यहाँ कितना अधर्मी कृत्य चल रहा है। महाराज ने तुरंत सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते को इन सभी मस्जिदों को गिराने का आदेश दिया। इस बात पर जनार्दन पंत बोले कि महाराज, इससे मुस्लिमों के भावनाओं को दुख पहुंचेगा। इस बात का जवाब देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज बोले कि इस मंदिर को बनाने में कितने शिल्पकार कलाकारों ने दिन रात एक की होगी और जब हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तब किसी ने ये नहीं सोचा कि इससे हमारे हिंदुओं के भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर हमारे पवित्र जगहों पर हमारे राज्य में अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर तुरंत इन मस्जिदों को यहां से हटाकर भगवान महादेव के मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और हजारों गौ माता के दूध से शिवलिंग पर अभिषेक किया और इस मंदिर में फिर से ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा की। इससे हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्म के प्रति निष्ठा और प्रेम भावना दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मराठा शासन काल में इस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया। मराठा सेना तिरुवन्नमलई से मद्रास में दाखिल हुए। मद्रास यानी आज के तमिलनाडु का चेन्नई शहर। चेन्नई शहर में एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार मंदिर है जिसका नाम है काली कम्बलम, जो देवी महाकाली को समर्पित है। 3 अक्टूबर 1677 को छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर में पहुंचे और देवी महाकाली का दर्शन करके इस मंदिर में एक बड़े पूजा की आयोजना भी की और इस मंदिर को बड़े पैमाने पर धनराशि भी दान की। इस मंदिर के शिलालेख में छत्रपति शिवाजी महाराज का दक्षिण दिग्विजय का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उस समय पूरे दक्खन में किसी सल्तनत में हिम्मत नहीं थी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज से टक्कर ले सके और उत्तर भारत का बादशाह औरंगजेब इसी आशा में जीता रहा कि एक दिन अल्लाह हमें जरूर कामयाब करेगा। पर मराठों के हाथों बार बार पराजय होने के दुख में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और हिंदुस्तान को काबिज करने का सपना सपना ही रह गया। और इस प्रकार आज हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के दक्षिण दिग्विजय में किए गए हिंदू मंदिरों को जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, आगे छत्रपति शिवाजी महाराज का दक्षिण दिग्विजय का ये तूफान किस प्रकार दक्खन की सबसे ताकतवर सल्तनत आदिलशाही की सीमा पर जा धड़का, जानने के लिए देखिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए।